नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं कार्तिक मास महात्म्य की 12वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने 11 दिन तक की कथा के वीडियोस अपने चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, कथा को श्रवण कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी उन सभी वीडियोज़ को देख सकते और कथा को श्रवण कर सकते हैं। ओम देवकी नंदनाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात। यह भगवान श्री कृष्ण का गायत्री मंत्र है। जो भी भक्त इसका श्रद्धा व भक्ति के साथ जप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 4, 5 व 6 की कथा के वीडियोस के साथ मैंने आपको कार्तिक स्नान के पहले नियम प्रातः स्नान के बारे में जानकारी दी थी। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 7 व 8 की कथा के वीडियोस के साथ मैंने आपको कार्तिक स्नान के दूसरे नियम तुलसी पूजा के बारे में जानकारी दी। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 9 की कथा के वीडियो में मैंने आपको कार्तिक स्नान के तीसरे नियम हरि पूजन व हरि जागरण के बारे में जानकारी दी। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 10 व 11 की कथा के वीडियोस में मैं आपको कार्तिक स्नान के चौथे नियम दीपदान के बारे में जानकारी दी है। इस वीडियो में मैं भी दीपदान के बारे में ही कुछ जानकारी आपको और दे रही हूँ। कार्तिक मास में दीपदान करने के भी नियम होते हैं। दीपदान किसी नदी में, किसी मंदिर में, पीपल पे, चौराहे पे या किसी दुर्गम स्थान पे करना चाहिए। दीपदान संध्या के समय या सूरज ढलने के बाद किया जाता है। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी भी स्थान पे दीप जलाना दीपदान कहलाता है। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है। मंदिरों में सबसे ज़्यादा दीपदान किए जाते हैं। यदि आप पूरे कार्तिक मास में दीपदान नहीं कर सकते हैं, तो रमा एकादशी से लेकर अमावस्या तक 5 दिन आप दीपदान कर सकते हैं। इसी तरह से देवउठनी एकादशी से लेकर आप पूर्णिमा तक दीपदान कर सकते हैं। आपको पूरे माह में दीपदान करने का फल प्राप्त होगा और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर होगी। वे प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दीपदान के बारे में मैं कुछ और जानकारी आपको अगले अध्याय के वीडियो में दूंगी। अब हम देखेंगे कार्तिक महात्म्य के 12वें दिन की कथा। 12वें दिन की कथा में हम 12वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। 12वें अध्याय के पाठ में हम देखेंगे जलंधर का शिवजी के पास राहु को दूत बनाकर भेजने की कथा का वृत्तांत। इसके पहले 11वें अध्याय में हमने देखा कि सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छुपे हुए देवता जलंधर को आते देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगते हैं, तो भगवान विष्णु शीघ्र ही वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देख के जलंधर भी वहां आ जाता है और दोनों जलंधर और भगवान विष्णु युद्ध शुरू कर देते हैं, परंतु दोनों में से कोई भी नहीं जीत पाता है। तब भगवान विष्णु ने जलंधर से कहा कि मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तो जलंधर ने कहा कि हे प्रभु, आप लक्ष्मी जी और देवताओं के साथ मेरे महल में रहो। इसके बाद जलंधर सब कुशलतापूर्वक तीनों लोकों पर राज करने लगा और उसके राज्य में सभी सुखी थे। एक दिन नारद जी उसके राज्य को देखने के लिए वहाँ आए। उसके बाद की कथा हम 12वें अध्याय की यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, नारद जी बोले, हे राजा प्रथु, उस दानवेंद्र राजा ने विधिपूर्वक मेरा पूजन सत्कार करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? आज्ञा करिए। हे प्रभु, आपने कहीं कुछ ऐसा देखा है क्या जिसके लिए आप यहाँ आए हैं? सो हे मुनीश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। कैलाश पर्वत पर 10,000 योजन चौड़ा है। वहाँ अनेक कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। वहाँ बहुत से चिंतामणियों से प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान समृद्धि कहीं है या नहीं है। हे दैत्येंद्र, तब तुम्हारे वैभव की मुझे याद आई और इस कारण मैं उसे देखने के लिए यहाँ चला आया। तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर मैं विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी त्रिलोकी में कोई नहीं है। यद्यपि अनेक अप्सराएं और नाग कन्याएं आदि आपके पास यहाँ हैं, तो भी पार्वती जी जैसी सुंदरता नहीं है।
जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने अपने वीर्य को छोड़ दिया था, तब उनके साथ किसी स्त्री की तुलना कैसे की जाए। एक बार मछली रूपधारी पार्वती की सुंदरता रूपी वन में तपस्वी महादेव जी ने भी भ्रमण किया था। सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जी जैसी अनेक अप्सराओं को पैदा करने का प्रयास किया, परंतु उनके रूप के समान कोई अप्सरा पैदा नहीं हुई। स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, परंतु सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा वैभव ऐसा नहीं है। ऐसा कहकर राजा जलंधर से अनुमति लेकर नारद जी वहाँ से चल दिए। ऐसा नारद जी कहते हैं कि मैं वहाँ से चल दिया। तब वह दैत्यराज पार्वती जी के रूप को सुनके कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। पश्चात भगवान की माया से मोहित होकर सिंहका के पुत्र राहु को अपना दूत बनाकर जलंधर ने महादेव जी के पास भेजा। उज्जवल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग में रंगकर वह राहु वहाँ गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास गया। तब शिव जी के यानी उन्होंने बहु का इशारा करके उससे पूछा, तो राहु बोला, हे वृषध्वज त्रिलोकी के स्वामी, हे रत्नेश्वर, जलंधर की आज्ञा सुनो। जलंधर ने मुझे दूत बनाकर आपके यहाँ भेजा है। उनके अनुसार शमशान निवासी हाड़ों के मालाधारी दिगंबर तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ, पार्वती स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है, तुम जैसे नंगे जटाधारी भिखारी के योग्य नहीं हैं। नारद जी बोले, राहु के ऐसे वचन कहते ही महादेव जी की मृद्य भकुटी यानी तीसरी आँख में से एक वज्र जैसा भयंकर पुरुष पैदा हुआ, जिसका सिंह के समान मुख था, लहलहाती जीभ थी, उसके नेत्रों में ज्वाला थी, ऊपर की ओर उठे हुए उसके केश थे, उसका शरीर सूखा हुआ था और इस प्रकार वह दूसरे नरसिंह भगवान के जैसा लग रहा था। उसे अपनी ओर खाने के लिए आते देख राहु डर कर भागा, परंतु बीच में ही जाकर उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। जब राहु को पकड़ कर खाने लगा, तब शिवजी ने उसे मना किया कि यह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है, यह पराधी ने, इसे छोड़ दो। तब शिवजी के ऐसे वचन सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर उस पुरुष ने महादेव जी से प्रार्थना की। वह पुरुष बोला, मुझको भूख लगी है, जिसके कारण मैं दुर्बल हो गया हूँ, हे देव मैं क्या खाऊँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तब शिव जी बोले कि तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ पैर का मांस खा लिया। उसने इस तरह से खाया कि केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देख शिव जी उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी बोले, उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते हैं, उनका शिव पूजन वृथा होता है। कीर्तिमुख द्वारा फेंका गया वह राहु बर्बर स्थल पर जाकर गिरा, इसलिए वह बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर वह राहु इसे जिंदा बच जाने के कारण अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास पहुंच जाता है और सारा वृत्तांत कहता है। अब आगे का वृत्तांत हम 13वें अध्याय में सुनेंगे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महत्तम्य द्वादश अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म संस्कृति तीज त्यौहार व्रत कथा रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।